वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो बैच 2021 को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, आपको प्रोग्राम से ही समझ आ रहे थे। देखिए मैं एक बहुत बेसिक चीज आपको बता दूं कि जो जावा है वो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्राम की प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी, 100 मार्क्स की तरफ लेके जाएगी। फाइन, सो आपको प्रोग्राम की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। आपको बार बार प्रोग्राम लगाने, एक प्रोग्राम एक बार आता है उसको दो दिन बाद फिर से लगाइए, तीसरे दिन के बाद फिर से लगाइए, और ड्राइवन करिए। ड्राइवन जो होता है, ड्राइवन एक लोग का क्वेश्चन था कि ड्राइवन क्या होता है। ड्राइवन होता है कि प्रोग्राम को जैसे हम लोग एग्जीक्यूट, कंप्यूटर किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, वो खुद से एग्जीक्यूट करके आउटपुट निकाला, खुद से आउटपुट निकाला, फिर जो हम लोग जो प्रोसेस को कहते हैं उसको हम ड्राइवन कहते हैं। फाइन, सो आपको ड्राइवन कराना है प्रोग्राम का। क्यों? क्योंकि यही आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। फाइन, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जो अभी जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, 100 मार्क्स चाहिए तो हमें 100 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, तभी यही एक आपका की टू सक्सेस है। फाइन, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज, जिसके अंदर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन आएंगे, जो पूछे गए थे वो भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से कि कैसे 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फाइन, सो पहला आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इसको मैं एरे से उठाऊंगा क्योंकि एरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बात करें एरे के अंदर से तो बहुत सारे आपके कोर्स में से रिड्यूस हो चुका है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सर्चिंग के ऊपर है। वैसे मैं बता दूं आपको, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके एरे की पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। एरे के अंदर दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका लीनियर सर्च टेक्निक, दूसरा कौन सा होता है आपका बाइनरी सर्च टेक्निक। आप खुद से भी बोलेंगे एक बार क्या होता है लीनियर सर्च टेक्निक और दूसरा कौन सा होता है बाइनरी सर्च टेक्निक। सब लोग ये वर्डिंग्स आप बोलिए ताकि आपको माइंड में रट पड़े। लीनियर सर्च टेक्निक का जो प्रोग्राम है वो भी आपके कोर्स में है, आप लोग एक बार अपने टीचर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग लीनियर सर्च टेक्निक का जो प्रोग्राम है वो करंट में आपके कोर्स के अंदर है, और बाइनरी सर्च जो है प्रोग्राम आपका हट चुका है, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन जो आता है आज, हम लोग पहला प्रोग्राम करेंगे और 100 प्रोग्राम ऐसे हम लोग लाइन से करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 डिफरेंट नंबर्स इन सिंगल डायमेंशन एरे। लिख लीजिए आप, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर्स इन सिंगल डायमेंशन एरे। Now enter a number and search whether the number is present or not in array, ठीक है? Using the linear search technique, आपको क्या करना है? Write a program to accept 10 numbers in single dimension array. Now accept a number and search whether this number is present or not in array using linear search technique. आपको linear search technique अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको briefing दे दे रहा हूँ। Linear search technique, searching क्या होती है? Process of finding a data in an array. Process of finding a data in an array, ये क्या कहलाता है? हमारा searching कहलाता है। Linear search technique, linear का मतलब होता है line में, linear search technique क्या होता है आपका? लाइन के अंदर सर्चिंग कराते हैं, मतलब पहले एलिमेंट को चेक करेगा, दूसरे को चेक करेगा, तीसरे को चेक करेगा, चौथे को चेक करेगा, पांचवे को चेक करेगा, फिर छठे को। फाइन, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया है कि आपको 10 नंबर्स स्टोर कराने हैं और उसको प्रिंट कराना है। आपको क्या करना है? 10 नंबर्स स्टोर कराने। तो बहुत सारे लोगों को अभी एक चीज की दिक्कत थी कि स्कैनर या फिर बफर से हम प्रोग्राम करते हैं। आप प्रोग्राम किसी से भी करिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। फाइन, जो भी आपको बेसिकली तीन तरीके से, चार तरीके आप यूज कर सकते हो, उसमें से दो जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो स्कैनर और दूसरा आपका बफर रीडर मेथड होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बफर के ऊपर जाओ और सॉरी स्कैनर के ऊपर जाओ, क्योंकि स्कैनर क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लाइक एक एडवांस टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फाइन, सो अगर हम लोग बात करते हैं पहले एंट्री की, तो दोस्तों सबको इंपोर्ट तक याद हो गया होगा। सबको क्या होगा? इंपोर्ट तक याद होगा। जिनको नहीं याद है उनके लिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, क्लास का नेम होगा एरे, सपोज हमने लिख लिया लीनियर सर्च टेक्निक का प्रोग्राम था। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट को, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लगाना कंपल्शन नहीं होता है, मैं भी आपको बता दे रहा हूं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो है वो लगाना कंपल्शन नहीं है, तो नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फाइन, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? आप क्वेश्चन में आता है कि आपको एक्सेप्ट कराना है 10 नंबर्स इन एन एरे। फाइन, तो अब कैसे होगा? हम लोग यहां पर डिक्लेयर करेंगे एक एरे ए न्यू INT 10। साइज क्या होगी एरे की? 10 होगी, कोई डाउट है यहाँ पे? अब अगला काम क्या करना है हमें कि एक नंबर भी स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम लोग एक INT सपोज SE ले लेते हैं। SE हमने क्लियर सर्चिंग एलिमेंट जो भी होगा उसके लिए। फाइन, तो यहां तक आपसे सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या होगा? देखिए कभी भी एरे का प्रोग्राम होता है, लीनियर सर्च आपको कराना है, प्रोग्राम के एल्गोरिथम आप पहले से अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। पहला काम क्या होगा? एंट्री ऑफ डेटा होगा, एंट्री 10 नंबर्स की होगी। फाइन, उसके बाद फिर क्या होगा? सर्चिंग होगी, उसके बाद अगर सर्चिंग एलिमेंट मिल जाएगा, उसके बाद सर्चिंग एलिमेंट की सॉरी एंट्री होगी जिसे हमें सर्च करना है। आफ्टर दैट हम लोग सर्चिंग कराएंगे, सर्चिंग का लॉजिक लगेगा, एंड आफ्टर दैट हम लोग चेक कराएंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्रेजेंट हुआ तो प्रिंट करा देंगे, अगर प्रेजेंट हुआ तो हम लोग क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे, दैट इज एलिमेंट इज
प्रेजेंट अलोंग फाइन। तो आगे हम लोग बात करते हैं एंट्री कैसे होगी। एंट्री ऑफ मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे 10 नंबर बोला। कैसे होगा, एक मैसेज पास करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये मैसेज क्यों लिखते हैं, ताकि हमारे यूजर के सामने पहले से डेटा आ जाए फाइन। तो होप सो ये आपको दिख गया होगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया। एल्गोरिथम जरूर नोट डाउन कर लिया, बहुत सारे लोगों को वीडियोस में प्रॉब्लम होती है, मैं बताऊंगा वीडियोस में क्या होता है। एंटर 10 नंबर फाइन, ये हमने एक वो दे दिया, यहां पे डबल कोट्स आपका क्लोज है इस तरीके से फाइन। अब अगला काम क्या होगा कि हमें एंट्री करानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग लूप। लूप क्यों लगाते हैं, मैंने पहले की जो एरे की वीडियोस है उसके अंदर मैंने बता रखा है। तो यहां पे आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि यहां पे आई नाम का वेरिएबल आप पहले से ही डिक्लेयर कर दो। आई इज लेस देन व्हाट 10, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस। After that क्या हो जाएगा, a of i is equal to what sc dot next int, sc dot क्या हो जाएगा आपका next int हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि i हमने 0 और i is less than 10 क्यों लेके गए, क्योंकि जो एरे होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है आपका एक जो भी लेंथ होगी उससे एक कम तक, इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट हो चुका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका डेटा की एंट्री हो जाएगी, पूरे डेटा की आपकी क्या हो जाएगी एंट्री हो जाएगी फाइन। उससे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अगला काम, क्या करना पड़ेगा हमने, जो हमने एल्गोरिथम बताया था उसके अकॉर्डिंग कि हमें एंट्री करानी पड़ेगी किसकी, सर्चिंग एलिमेंट की। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर सर्चिंग एलिमेंट। हमें क्या सर्च करना है उसकी हम यहां पे एंट्री एसई इज इक्वल टू व्हाट एससी डॉट नेक्स्ट आईडी। यहाँ पे क्या हो गया, एरे एलिमेंट की एंट्री होगी, यहाँ पे क्या हो गया सर्चिंग एलिमेंट, हमने क्या सर्च करना है उसकी एंट्री होगी फाइन। अब लीनियर सर्च टेक्निक में हमें पता है कि क्या होता है, ये सपोज एरे है हमारे सामने, तो इस वाले एलिमेंट को पहले चेक करेगा, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, लूप चला देंगे फॉर थोड़ा सा भी आपको वीडियो में एक दो लैग मिलेगा, बट होप सो आप कॉम्प्रोमाइज इतना करोगे। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो जाएगा यहां पे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i की वैल्यू प्लस प्लस। हमने क्या देखा था कि हमें क्या करना होगा, पहले 0 के एलिमेंट से फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट को सर्चिंग एलिमेंट से कंपैरिजन कराना। इफ a ऑफ i इज इक्वल इक्वल टू व्हाट सर्चिंग एलिमेंट, अगर a ऑफ i किसके बराबर है, यहां पे आपका लिखा हुआ है se, यहां पे क्या लिखा है आपका se, अगर a ऑफ i किसके बराबर है, हमारा सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है, तो हम लोग यहां पे क्या लेते थे एक, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो एक यहां पे हम लोग x नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसकी वैल्यू क्या रख देंगे 0। तो x की वैल्यू क्या करा दें प्लस प्लस, मतलब ये इंडिकेटर है, ये क्या है एक्चुअल में इंडिकेटर, इंडिकेटर काउंटर जो भी आप कह लो, ये एक्चुअल में क्या करेगा कि अगर एक बार भी कंडीशन ट्रू हुई, दैट मींस क्या हुआ कि एक बार भी अगर नंबर मिलेगा, चाहे a ऑफ 0 पे, चाहे a ऑफ 1 पे, चाहे a ऑफ 2 पे, चाहे a ऑफ 3 पे, कहीं पे भी पूरी एरे में अगर नंबर मिलेगा, तो x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी प्लस प्लस हो चुकी होगी फाइन। इतना अच्छे से क्लियर हुआ, चलिए इधर मैं इतना क्वेश्चन आपका वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, 2 सेकंड बैक करिए, इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं फाइन। सो क्या हो गया कि अगर ऐसा है तो क्या कर दोगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0, हमने क्या किया एंट्री कराई, उसके बाद सर्चिंग एलिमेंट एंटर कराया जो एल्गोरिथम मैंने पहले लिखा था, उसके बाद सर्चिंग का हमने एक लूप चलाया। अब चेक कराना है कि हमारे पास जब हमने सर्चिंग कराई थी तो मिला था कि नहीं मिला था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली x की वैल्यू क्या थी 0 थी, यहां पे x की वैल्यू क्या थी 0 थी, दैट मींस ये कहीं पे भी अगर कंडीशन क्या हुई होगी ट्रू हुई होगी, दैट मींस कहीं पे भी अगर आपका एलिमेंट प्रेजेंट रहा होगा तो x की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। अगर x की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो यहां पे हम लोग एक मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println element found, यहां पे मैसेज क्या देंगे element found फाइन। अगला क्या करेंगे else, अगर ये x की वैल्यू 0 ही है तो क्या हो जाएगा system dot out dot println element not found। लीनियर सर्च का प्रोग्राम मैंने पहले भी करा रखा है, तो अगर ये नहीं समझ आया तो पहले जाके वो देखिए, फिर जाके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो उससे आपको यहाँ पे हमने क्लास बंद की, यहाँ पे हमने मेन बंद की, यहाँ पे हमने क्लास बंद कर दी, ये प्रोग्राम उससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे आपको मिल जाएंगे 12 नंबर, बच्चे हुए 3 नंबर किससे मिलेंगे वीडियो से मिलेंगे। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वो मैं बता दूंगा, इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए फाइन। चलिए अब मैं बताता हूं आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल क्या होती है। एक्चुअली मैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बता रहा है, क्या बोला है, वेरिएबल को डिस्क्राइब करना है कि किस वेरिएबल का क्या काम होना है, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन की, तो वो टेबल कुछ इस तरीके से बनती है। हमें ऊपर लिखना होता है, हेडिंग डालनी होती है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फिर यहां पे वेरिएबल का नेम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। फाइन, तीन चीजें होती है वेरिएबल का नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या क्या यूज किया था, एक ए यूज किया था, एक एस यूज किया था, एक आई यूज किया था, उसके अलावा एक एस ई यूज किया था। तो एक इसका डेटा टाइप था int, x का डेटा टाइप int, i का डेटा टाइप int, s e का डेटा टाइप भी int था। a का काम क्या था, फॉर एरे टू स्टोर 10 नंबर्स, क्या है एरे टू स्टोर 10 नंबर्स। x का काम क्या था, एज एन काउंटर, x क्या था काउंटर था। i क्या था, फॉर लूपिंग, i का काम क्या है लूपिंग, s e फॉर स्टोरिंग सर्चिंग एलिमेंट। होप्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली वेरिएबल डिस्क्रिप्शन होता क्या है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के अंदर करते कुछ नहीं है, हम सिंपल सा वेरिएबल्स को चेक कराते हैं कि वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा वेरिएबल का क्या पर्पस था। तो हम लोग का ये पहला प्रोग्राम था, ये क्या था आपका प्रोग्राम नंबर 1 of 100, प्रोग्राम 1 of 100 है। तो आप लोग को ये सब प्रोग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जिनको नहीं समझ आती है, अरे फिर भी आप देखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, बाकी मैं प्रोग्राम्स कराता रहूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।